फॉर लूप से रिलेटेड और कई एग्जांपल हम देखते हैं। इसके पहले अपने सम ऑफ 10 नंबर्स का एक एग्जांपल देखा, उसके पहले हमने 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट किए थे। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं कि 1 से लेके 30 नंबर्स हम प्रिंट करेंगे, लेकिन उसमें से सॉर्ट आउट करेंगे कि जो इवन नंबर है 1 से लेके 30 के बीच में, वही नंबर हमें प्रिंट करना है। तो किस तरह से वो प्रिंट किए जाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, जो हमें हर बार लगेगा, तो यहाँ पे सेमी कोलन दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक फॉर लूप ले लिया, फॉर आई इक्वल टू 1 से लेके स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आई इक्वल टू 1, मतलब आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने 1। और कंडीशन हमें देना है 1 से लेके 30 तक, तो यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 30 इस तरह से दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन आई प्लस प्लस इस तरह से देंगे और एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, डबल इनवर्टेड कॉमा में यहाँ पे परसेंटेज डी पहले स्लैश एन लिख लेते हैं, ताकि पता चले 30 नंबर को प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे आई दे दिया तो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने जो लिखा है फॉर लूप, उसके बीच में एक स्टेटमेंट लिखा है, यानी फॉर लूप का इफेक्ट जो है उस स्टेटमेंट पे रहेगा। तो जैसे ही हम इसे कंपाइल करते हैं तो कोई एरर इसने शो नहीं किया, रन करता है तो यहाँ पे 30 नंबर्स को इसने प्रिंट करा दिया। 1 से लेके 30 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए। अभी फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 30 तक नंबर ये प्रिंट होने के बावजूद इवन नंबर नहीं प्रिंट हुए। अब इसके बाद हमें इवन नंबर को प्रिंट करना है। फिर से मैं एक बार कंपाइल करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई इवन नंबर नहीं है, एक कॉम्बिनेशन है ऑड और इवन नंबर का। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें से स्पेसिफिक हमें इवन नंबर को ही टारगेट करना है, इवन नंबर को ही प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देना होगा। कंडीशन हम इस तरह से लिख सकते हैं इफ, तो कंडीशन ये रहेगी कि जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, वही नंबर हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने आई मॉडुला 2 इक्वल टू 0, यानी आई को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, तो वही नंबर ये प्रिंट करेगा 1 से लेके 30 के बीच में आने वाले नंबर्स में। जैसे कंपाइल किया, रन किया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। अभी यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ओपनिंग करली ब्रास, क्लोजिंग करली ब्रास यूज नहीं किया। इसके पहले प्रोग्राम में हमने देखा था कि फॉर लूप में मल्टीपल लाइंस को अगर लिखते हैं तो वहाँ पे हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं, मतलब ओपनिंग करली ब्रास एंड क्लोजिंग करली ब्रास लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि देखिए ये जो फॉर लूप है इसका इफेक्ट ये कंडीशनल स्टेटमेंट पे है और कंडीशनल स्टेटमेंट का इफेक्ट यहाँ पे प्रिंट एफ पे है। ऐसे सिचुएशन में आपको कहीं पे भी ब्लॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रास और क्लोजिंग करली ब्रास भी लिखते हो तो उसका मतलब वही होगा, यानी इसका इम्पैक्ट वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब आपका आउटपुट सेम ही आएगा। यहाँ पे कंपाइल किया, रन किया, तो वही आउटपुट आपको शो करा रहा है। तो कहाँ पे आपको ब्लॉक लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है, ये भी समझ में आना चाहिए। अगर इसी प्रोग्राम को अगर आप ऑड नंबर फाइंड आउट करते हैं 1 से लेके 30 तक, तो यहाँ पे आपको एक सिंबल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट लिखना पड़ेगा, यानी जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 आता है, या जो भी है, मतलब 0 नहीं आता, तो उस वक्त उस नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। यहाँ पे कंपाइल किया, रन किया, तो 1 से लेके 29 तक इसने नंबर प्रिंट किए, लेकिन सारे के सारे ऑड नंबर्स है, यानी 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है। इस तरह से हम कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं। प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें फॉर लूप यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए ये हमें समझ में आ गया, कैसे यूज़ करना चाहिए वो भी समझ में आ गया। तो जहाँ पे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी कि वहाँ पे फॉर लूप की ज़रूरत है, यानी एक स्टेटमेंट को आपको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ यानी लूप स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम, मतलब ये जो प्रिंटएफ फंक्शन लिखा हुआ है, इसे मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना था, 1 से लेके 30 तक एग्जीक्यूट कराना था। अभी यहाँ पे हम कोई भी रेंज दे सकते हैं, 1 से लेके 30 तक हमने नंबर को प्रिंट किया है, 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप,